तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेलोन डिज़ाइन। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, क्रॉस वाला जो फोटो देख रहे हैं अभी आप लोग अनुष्का सेन वाला। तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, फुल ट्यूटोरियल। तो बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और सीख लीजिए आप भी ऐसा फोटो एडिट करना। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए पहले हमें उसे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले कुछ इस टाइप का पोज एक क्लिक करवा लेना है, जो कि मतलब पिंक कलर का टी शर्ट पहन के आप लोग क्लिक करवा सकते हैं और इसको हमको एडिट करना है। तो गाइज इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, क्योंकि फेस का कलर कैसे मैच करवाया जाता है ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं इस वीडियो में समझाया हूँ, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज सबसे पहले हमें इस फोटो को अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करना है और यहाँ से टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्यून इमेज पे जाके और एम्बिबियंस को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर लेना है और डन करना है। और फिर से इसी में ओके करेंगे, ट्यून इमेज पे जाएंगे और सेचुरेशन को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। और यहाँ से व्यू एडिट पे जाके और अपने कपड़े पे ब्रश कर लेंगे, जो कि ऐसे बड़ा कर लेंगे फ़ोटो को ब्रश करके ऐसे ऐसे मतलब कपड़े पे जल्दी जल्दी से ब्रश कर लेंगे, जिससे कि हमारा मतलब कपड़ा थोड़ा डार्क हो जाए कलर में तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, तो ऐसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपली इतना होने के बाद फ़ोटो को यहाँ से डन करते हैं और सिंपली इतना होने के बाद फ़ोटो को ऐड करते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइज, तो आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम रियल स्टेप बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मैं इससे भी और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा। तो बस देखिए कैसे कैसे रिटच करना है फ़ोटो को, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फ़ोटो में ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है और कपड़ा को थोड़ा सा और पिंक रखेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे। फ़ोटो को थोड़ा सा स्मूथ किए हैं गाइज, इतना करने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे और शार्पनिंग, नॉइज रिडक्शन, डिटेल और ये सब तो फुल ही रखते हैं। तो सिंपली गाइज इतना होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ़ोटो में और ये नीचे वाला में इसको जाके दोनों को ऑन कर लेंगे। तो इतना होने के बाद फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, यहाँ से फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। और इस फोटो को मैं थोड़ा सा स्मूथ किया हूँ ऑटोडेस्क से, जो कि मैं स्मूथ करना नहीं दिखा रहा हूँ, तो वीडियो कम से कम 20 मिनट का हो जाएगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा, 10 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्मूथ किया हूँ और कटआउट किया हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसको मैं काट दे रहा हूँ। तो लास्ट में गाइज अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस फोटो को। सबसे पहले हमें ये वाला बैकग्राउंड अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। मैं इसमें का एक एक PNG आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एकदम ईजिली तरीके से। तो सिंपली इतना होने के बाद हम ऐड फोटो में जाके मॉडल PNG को ऐड करेंगे। तो गाइज यही है वो तीनों PNG जिसको ऐड करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगा लेंगे क्रॉस वाला PNG और इसका जो है कि फ्लिप रोटेशन हम लोग चेंज कर लेंगे, इस टाइप का कर लेंगे कुछ इधर देखने वाला। और ये है जो अनुष्का सेन वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इतना पे, इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा और बड़ा इतना पे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और अपना भी फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से मूव अप कर देंगे, जिससे कि ऊपर हो जाए मेरा हाथ, हैंड ऊपर हो जाए। तो एकदम सिंपली ऐसे ही करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो कितना ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट बैठ चुका है। तो अभी थोड़ा सा बस एक और इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और इतना पे एडजस्ट करेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे यहाँ से और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ऑफिसिटी को कम रख के और अपना पैंट पे कलर करेंगे। तो आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ऑफिसिटी को कम रखेंगे, इसका साइज़ एकदम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको तो इसको नहीं टच करना है, एक मिनट गाइज। तो सिंपली गाइज इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इसका सेचुरेशन बढ़ा देंगे, यहाँ से इरेज पर क्लिक करेंगे और इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे और फोटो को अच्छे से जूम कर लेंगे और अपने पैंट पे यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जींस आ चुका है, अभी देखिए कितना अच्छा से हो रहा है। तो हम लोग इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, आप लोग ध्यान से कीजिएगा एकदम बचा के, नहीं तो इधर उधर
फेक लगेगा, तो मैं किया हूँ फोटो में, आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी बहुत गलती हो सकता है, लेकिन वैसे गलती नहीं होगा, परफेक्ट मैं उसी तरह बना रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को मतलब ये इसको भी एडजस्ट कर लेना है बहुत ही अच्छे से, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर लीजिएगा, एकदम हो जाएगा। तो देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जीन्स और कपड़ा दोनों एक ही तरह का मैचिंग कलर मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हो ही गया, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना अभी। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली ऐसे ही करना है, तो थोड़ा सा इसको इधर उधर रखेंगे, इतना भी एडजस्ट करेंगे, फिर से इरेज करेंगे और फोटो को थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और जहाँ पे नहीं लगा है यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अपने हाथ पर से, जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोगों की मर्ज़ी, अगर चाहें तो नहीं भी मतलब कर सकते हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा था तो कर दिया, नहीं तो आप लोग के हिसाब से जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसानी से। तो सिंपली गाइस इतना होने के बाद डन करते हैं फोटो को, अभी देख सकते हैं एकदम सिंपल बन चुका है फोटो। तो यहाँ से डन करते हैं और फोटो को सिंपली लेके चलेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, जो कि कलर को रिटच करेंगे। तो यहाँ से ड्रा टूल में जाके फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, इधर से फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और चलते हैं अपने इसने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो सिंपली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इसके फेस और कपड़े को मैच करवाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्टिव टूल पे ओपन करना होगा यहाँ से, और इस पे ब्रश पे क्लिक करेंगे और इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, मतलब और भी जूम कर लेंगे यहाँ से, इसको हटा देते हैं और पूरा मतलब बॉडी को इसके कलर करना पड़ेगा, पूरा बॉडी को कलर करते हैं। देखिए कैसे करना है, मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली गाइस ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है इसके फेस पे, ऐसे ऐसे कर लेना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, और आप लोग यहाँ से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे फेस को मैच करवाना है। तो सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हैं हम मतलब पूरा ड्रॉ कर चुके हैं, मतलब पूरा बॉडी को इसके। तो इतना होने के बाद हमें यहाँ मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से कलर को अपने फेस के जैसा मैच करवाना है। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली हम कैसे मैच करवा रहे हैं, देखिए। तो हल्का हल्का रेड रखना है इसके मतलब बॉडी को, देख सकते हैं अभी मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा हमारा फेस। इतना होने के बाद इसमें आना है, यहाँ से टेक्सचर को कम कर देना है सिंपली। यहाँ इतना होने के बाद डन करते हैं फोटो को, अभी देख सकते हैं कलर मैच हो चुका है थोड़ा सा, और इसके बाद से हमें इसका कपड़ा मैच करवाना है। तो कपड़े पे हम कलर कर लेते हैं, सेम टू सेम स्टेप वैसे ही करना है। ड्रॉ टूल में सिलेक्टिव टूल में जाएंगे यहाँ से और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा ब्रश कर लेंगे इसके कपड़े को, कपड़ा भी चेंज हो जाएगा कलर। तो सिंपली गाइज आप लोग देख सकते हैं हम कपड़े पर भी कलर कर चुके हैं। तो यहाँ से मिक्स टूल में जाते हैं और यहाँ से सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा और कलर कर लेंगे, इतना इतना पे देख सकते हैं एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इतना होने के बाद यहाँ से डन करते हैं। तो सिंपली गाइस इसके बाद मिक्स टूल में जाना है और यहाँ से ऑरेंज टोन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ल्यूमिनेंस को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसको कम रखेंगे, ह्यू को कम रखेंगे। तो इतना होने के बाद थोड़ा सा विग्नेट इस फोटो में डालते हैं, विग्नेट, तो इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं। इतना होने के बाद फिदर को बढ़ा लेंगे। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हैं सिंपली हमारा फोटो बन के हो चुका है तैयार। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, फोटो के यहाँ से सेव कर लेना। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।